नमस्कार, भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की। कांग्रेस की बैठक में उठा चैनपुर प्रखंड में रौतिया समाज के जमीन हड़पने का मामला। 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम होगा आरंभ। गुमला जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की पहली बैठक गुरुवार को जिला अध्यक्ष चैतु उराव की अध्यक्षता में स्थानीय परिसदन में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, गुमला जिला प्रभारी अजय नाथ, सहदेव रामचंद्र सिंह, विधानसभा प्रभारी पीटर मुंडू, अनूप केसरी व जगदीप भगत शामिल हुए। बैठक में संगठन विस्तार व उनकी मजबूती पर चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जो चुनौतियों द्वारा भरा हुआ है। पार्टी संगठन को मजबूत करके ही इस चुनौती से निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने बैठक में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक पार्टी को संगठनात्मक रूप से बैठने पर जोर दिया। श्री तिर्की ने कहा कि 26 जनवरी की पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, जिसे हर हाल में सफल बनाने के लिए संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की मजबूती के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। बैठक में श्री तिर्की ने चैनपुर में रौतिया समाज के जमीन के हड़पने का मामला उठाते हुए जिला अध्यक्ष को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। जिला प्रभारी अजय नाथ सहदेव ने कहा कि गुमला में कांग्रेस को चाहने वाले बहुत लोग हैं और पार्टी में भी जिला मजबूत है। 26 जनवरी से पार्टी का हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, जिसे पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सफल बनाए। बैठक में पूर्व विधायक वैरागी उराव, आशिक अंसारी, मुरली मनोहर प्रसाद, बसंत कुमार गुप्ता, राजू कुमार महतो, गंगा उराव, अगुस्टिन कजूर आदि उपस्थित थे। मोर्चा को संगठनात्मक रूप से उसको मजबूती देना, इसके साथ साथ आज विशेषकर कैसे राजनीतिक प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो 2024 आने वाला दिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ जो अभी आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लगातार, और संभवतः 30 जनवरी तक ये आपका समापन भी होगा। इतने पैदल इस बार 3,500 किलोमीटर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग, और जिसको कहा जाए कि संघर्षपूर्ण। हमारे आज गुमला जिले की जो कार्य समिति है उसकी बैठक, और हमारे जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं यहाँ के चैतु राव जी, उनकी लीडरशिप में, और आदरणीय बंधु जी जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष के लीडरशिप में, हम लोग यहाँ संगठन के का विस्तार भी हो रहा है और उसको मजबूत भी किया जा रहा है। गुमला जिले में आप देखेंगे तो हमेशा से कांग्रेस को मानने वाले चाहने वाले यहाँ लोग बहुत हैं, और हमारे यहाँ पर संगठन भी मजबूत है, और जिस तरीके से यहाँ पे जन समस्याओं को लेके भी कांग्रेस पार्टी और धारदार यहाँ पे